I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. आइए मेमन साहब। सर, परमार साहब के घर वाले कैसे हैं? सर, मैं शाहिद से मिला था। पता है मुझे। थैंक यू सर। प्लान क्या है? मुझे लगा नहीं था तुम मेरे टेस्ट में पास हो जाओगे। हो गए हो? काम पे लग जाए। जी, अभी कहाँ जाना है? तुम गाड़ी चलाते रहो, रास्ता में बताऊंगा तुम्हें। 28 अक्टूबर को तुम्हारा पहला काम करोगे। 28 अक्टूबर? दारू से भरी हुई एक गाड़ी किसी कम भीड़ वाले इलाके में पार्क करनी है, और उसके बाद हमें से कोई पुलिस को इन्फॉर्म कर देगा। अच्छा, तो गाड़ी कहाँ पार्क करनी है और पुलिस को क्यों खबर करनी है? जगह तो तुम्हें उस दिन पता चलेगी। हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, पुलिस आएगी, पुलिस चेकिंग करेगी, और जब पुलिस चेकिंग करेगी तब बूम। समझे? पूरे शहर में से 5 ब्लास्ट होंगे। हमारा टारगेट होंगे मोस्टली पुलिस वाले। तो ये बाकी के ब्लास्ट कौन करेगा? क्या करोगे जान? नहीं, ऐसे अखबार में इश्तियार देना है। वो बात नहीं। जब ब्लास्ट होता है ना समीर, सुनाई कुछ नहीं देता। तीखी सी आवाज कानों में गूंजती रहती है तुम्हारे। बस ये काम कर दो, अल्लाह की बनाई हुई जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। साले, ये सारे टेररिस्ट जन्नत की ट्रैवल एजेंसी खोल के बैठे हैं क्या? कहीं तो ये नहीं सोच रहा है कि तेरा काम खत्म हो गया? क्यों सर? सर, आपको शाहिद के बारे में पता चल गया है, आप उसे पकड़ लीजिए। शाहिद को हमने पकड़ भी लिया तो यासीन रुकने वाला नहीं है, वो प्लान चेंज कर देगा। बाकी सारे स्लीपर सेल्स कहाँ ब्लास्ट करने वाले हैं तुझे नहीं पता, हमें भी नहीं पता। बेहतर यही होगा कि जैसा सब कुछ चल रहा है वैसे चलने दे, और इन टाइम पे हम चेकमेट कर देंगे। सर, लेकिन तब तक मैं क्या करूंगा? शाहिद जो बोले वो सुन, और जो मैं बोलू वो कर। यस सर। आज तेरे दोस्त मंटो का नाटक है ना? ऑल द बेस्ट। सर, मंटो भाई भी आप। नमस्कार, सिटीजन नगर की दूसरी आजादी नाटक मंडली आप सबका हार्दिक स्वागत करती है। जमूरे जी आजू, बता, मैं नचाऊंगा तो नाचेगा? जी आजू। मैं गवाऊंगा तो गाएगा? जी आजू। मेरी बात को ही सच मानेगा? जी आजू।
तो बता आज कौन सा नाटक दिखाएगा? भारत की जनता। भारत की जनता? व्हाट्स डू नॉनसेंस। अरे भाई यार बहुत अकलाता है यार, जल्दी बोलना अकले। ए भाई इसको कोई माफ कर दो। किसने बोला माफ कर दिया? हाँ अरे ये देखिए, ये यही भारत की जनता। ओ माय गुडनेस, ये भारत की जनता। आप क्या बीमार है? नेता जैसी बातें करता है, सब कुछ दिखता है, फिर भी पूछ रहा है। मैंने क्या पूछा भाई, मैंने ये पूछा कि आपकी ये हालत हुई कैसे? अब हम का बताएं भैया, हम गांव में रहते थे, एक छोटे से जमीन के टुकड़े पे खेती करते थे, लेकिन एक दिन एक बड़ा अफसर आया और बोला ये जमीन सरकार खरीद ली है, तुम सब लोगों का पैसा अकाउंट में आ जाएगा। जमीन चली गई। अब हमारी ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार इतना जमीन का करेगी का। तो बड़ी दुख भरी कहानी है भाई। हाँ तो अब क्या करेगी भारत की जनता? इंतजार। इंतजार किसका? हमारी मौत का। नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए। भारत की जनता अब करेगी बलवा। बलवा करेगी भारत की जनता। वो कैसे? कैसे? इस सारी समस्या की जड़ हम है, हम खुद। हम जरूरत से ज्यादा सहन करते हैं और जरूरत से ज्यादा चुप रहते हैं। चुप। क्यों? ये हमारे बनाए हुए राजा रानियां हमारा खून चूसते हैं। क्यों? क्योंकि हम रहते हैं चुप। ये राजा रानियां, इनको हमने मिट्टी से उठाकर गद्दी पर बिठा दिया, तो हम ही लोग इनको गद्दी से उखाड़ कर मिट्टी में मिला सकते हैं, लेकिन नहीं, हम रहेंगे सब चुप। और तब हम पर या किसी और पर ये तानाशाही जुर्म करती है, तब भी हम रहते हैं चुप। 5 साल में जो चुनाव आता है, तब वोट डालने से पहले देखो इतिहास के पन्नों पर क्या था। भारत, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, सोने की चिड़िया कहा जाता था, पढ़ा था मैंने 4th में। कहां गई वो सोने की चिड़िया? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे लगता है कि मेरा यहाँ पर काम खत्म हो चुका है। I want to get back to my work. कल तक तो तुम कहीं नहीं जाने वाली थी, फिर ये तुम बैठो, बैठ के बात करते। सुरेश मैडम के लिए ब्रेकफास्ट लगाओ। परमार का मर्डर एक मिस्ट्री बनती जा रही है। आई गेस मुझे एटीए से दूर रहना चाहिए। आई जस्ट होप इट वॉज नॉट एन एनकाउंटर गॉन रॉन्ग। प्लीज कब है इंटरव्यू? अब तक मेरा फोन टैप कर रहे हो। अगर मैं नहीं करता तो क्या तुम मुझे बताने वाली थी? क्यों बताऊं? ताकि तुम एक और एनकाउंटर कर सको। यासीन जैसे लोगों को बिरयानी खिलाने का मुझे कोई शौक नहीं है। तो यासीन और तुम में फर्क ही क्या है? दोनों मार तो इंसान ही को रहे हो ना। ट्रू। इंसान ही तो मर रहे हैं।
विक्रम, I completely understand your personal anguish. लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि These people are terrorists and they should be punished. Punished by whom? Huh? By state or you? तुम मुझे political science के lecture मत दो. मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ. It's all about protecting people from these terrorists. And I don't understand why you have soft corner for them. I don't have a soft corner for them. Our state has failed them. And I need to know why. I'm just interested in the backstories of their violent actions. और जुडिशरी नाम की भी कोई चीज है ऑफिसर. स्टेट ने आपको पावर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप. I'm sorry. My time is up. I have to leave. अली अरुका प्लीज. Why don't you understand? ये हजारों लोगों की जिंदगी का सवाल है. Don't you dare follow me. अली. तुम्हें क्या लगता है परमार पागल था? अगर उसने अपनी जान दे दी तो सिर्फ और सिर्फ मिशन के लिए. कौन सा मिशन? विक्रम, तुमने एक इनोसेंट कॉलेज स्टूडेंट को कहां फंसा दिया? यासीन का रूममेट है वो, उससे अच्छा अंडरकवर कौन हो सकता है? डू यू अंडरस्टैंड? वो टेररिस्ट नहीं है, लेकिन तुम्हारे वजह से आज वो उन लोगों के बीच फंसा है. उसकी वजह से हम ये ब्लास्ट रोक पाएंगे. और अगर उसे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं, ट्रस्ट मी. और इस ब्लास्ट को कैसे रोकोगे? हाँ बोलो देसाई. सर, मिशन इज रेडी एंड आई नीड योर परमिशन. अगर अर्जेंटली एक्शन नहीं लिया तो स्टेट इलेक्शन में हमारी सरकार को नुकसान हो सकता है. तुम्हें जो ऑर्डर चाहिए वो मिल जाएंगे, और जरूरत पड़ने पर स्टेट पुलिस तो है ही तुम्हारे साथ. डोंट वरी. थैंक यू सर. जय हिंद. शाहिद के प्लान के मुताबिक उसे 5 गाड़ी भर के दारू चाहिए. करे, तुम दारू लाकर दोगे उसे? सर, मैं कहां से दारू लाऊंगा? पुलिस के पास दारू नहीं होती है क्या? क्यों दावे? अब ये मुझे क्या पता सर. अब पुलिस की सीज की हुई दारू देश के काम. पुलिस वाले तो कुत्तों की तरह सूंघ रहे. हमारे लिए अच्छा ही है. अच्छा तो है, पर इतनी दारू कहाँ से लाएंगे? पूरा का पूरा शहर सूफी बना दिया इस साल. आप चाहें तो मैं दारू का इंतजाम कर सकता हूँ. हैं? आपके सिटीजन नगर में भरी पड़ी. यह है ट्रैकर. जब 5 गाड़ियां सिटीजन नगर में आ जाएं, तो हर गाड़ी में एक एक ट्रैकर डाल देना. फिर देखते हैं साले जाते कहां हैं ये लोग. उसके बाद? उसके बाद क्या होगा तो हम पे छोड़ दें. और मुझे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए. इस मिशन में पहले हमने परमार को खो दिया है, कोई और नहीं. सॉरी. अब तो कल की तैयारी कर. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे होगा तेरा कल. है, और अगर कल कोई गड़बड़ हुई तो? मैं आलिया इरादे, डेली दास्तान से. आपके यहाँ पे जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसके सिलसिले में कुछ बातचीत करनी थी. बस 5-10 मिनट. महात्मा गांधी ने ये सिटीजन नगर तो बना दिया, पर कभी नहीं सोचा था कि पचास 60 साल हो गए पर अब तक
हिंदू मुसलमान कभी एक नहीं हो सके। ये अंग्रेज अपनी राजनीतिक चालें विरासत में हमारे राजनेताओं को देकर गई है। आपसे एक रिक्वेस्ट थी, आप बस्ती के कुछ लोगों को इकट्ठा कर सकेंगे? मैं उनका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ सबका एक साथ। आप चलिए, मैं आती हूँ। शुक्रिया, अभी आती हूँ। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है समीर साहब। शुक्रिया। आपको मेरा नाम कैसे पता? विक्रम देसाई ने भेजा है। कमाल है, आजकल जर्नलिस्ट भी एटीएस के इन्फॉर्मर बन गए। कोई मैसेज है? आपका इंटरव्यू लेना था मिशन से पहले। आपको मिशन के बारे में कैसे पता? कल के बाद फेमस जो होने वाले हो तुम, तो इंटरव्यू शुरू करें। एक रिपोर्टर आई है, हम सबका इंटरव्यू लेना चाहती है। रिपोर्टर आई है, जल्दी से बुला सबको। अबू भाई, ओ मंजू भाई, ओ रमला बाबा, ओ किसराड़ा कालू, अरे आयु भाई, जल्दी 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 आओ। For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.